हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक मूवी की। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है। वेल, अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए ब्रेक मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। यह कहानी है पांच दोस्तों की, जो कि न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट करने माउंटेन टॉप पर जा रहे थे। इस ग्रुप में कैट और उसका बॉयफ्रेंड किरिल, वेगा और उसका बॉयफ्रेंड डेनिस और रोमान उन सबका कॉमन फ्रेंड था। दरअसल माउंटेन टॉप पर जाने का आइडिया किरिल का था और इसके लिए वो पिछले एक महीने से तैयारी कर रहा था। वो सब खुश थे क्योंकि लाइफ में पहली बार वो एक साथ कुछ नया एक्सपीरियंस करने जा रहे थे। अब काफी देर तक बर्फीले रास्ते पर चलकर वो लोग स्टेशन पर पहुंचते, लेकिन वो लोग लेट थे क्योंकि एक घंटे पहले ही स्टेशन बंद हो चुका था। अब किरिल वहां मौजूद केयरटेकर को समझाने की कोशिश करता है, पर केयरटेकर उन्हें मना कर देता है। फाइनली डेनिस केयरटेकर को $5,000 देकर उसे मना लेता है। अब सब लोग ट्रेलर के पास आकर अपना सामान लोड करने लगते और केयरटेकर भी उन्हें जरूरी रूल बताने लगता है। अब किरिल देखता है कि सामान में उसकी बैग नहीं थी, शायद वो बैग स्टेशन पर ही भूल गया था। उस बैग में एक इम्पोर्टेंट चीज थी और उसके बगैर किरिल नहीं जा सकता था। किरिल अपनी गर्लफ्रेंड केट को ट्रेलर से नीचे उतरने के लिए कहता है, पर केट उसे मना कर देती है, तो किरिल उससे नाराज होकर वहां से चला जाता है। केयरटेकर भी सबसे कहता है कि हम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, इसीलिए वो लोग किरिल के बगैर ही वहां से निकलते हैं। दरअसल कैट और किरिल के बीच पिछले कई दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी और कैट ने डिसाइड भी कर लिया था कि ट्रिप से वापस लौटने के बाद वो किरिल से ब्रेकअप कर लेगी। कैट प्रेग्नेंट भी थी और उसने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी किरिल को इन्फॉर्म नहीं किया था। कैट के फ्रेंड वेगा और डेनिस भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हर रिश्ते में ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है और इतनी छोटी बात पर ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ रोमान कैट को किरिल के खिलाफ भड़काने लगता है। रोमान कैट को पसंद करता था और अगर कैट ने किरिल से ब्रेकअप कर लिया तो उसके लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा, लेकिन कैट रोमान की बातों पर उतना ध्यान नहीं देती। वो खुद को संभालती है और सबके साथ एंजॉय करने लगती है। अब वो सब ट्रेलर से माउंटेन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, मगर थोड़ा आगे जाने पर यह ट्रेलर रुक जाती है। असल में पावर कट की वजह से ट्रेलर रुक गई थी। डेनिस सबसे कहता है कि स्नो एरिया में पावर कट होना एक नॉर्मल बात है, कुछ देर बाद बैकअप पावर स्टार्ट हो जाएगा और ट्रेलर भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो लोग 15 मिनट से वहीं पर रुके हुए थे। रोमान को भी टॉयलेट करना था तो वो ट्रेलर का दरवाजा खोलकर सुसु करने लगता है। अब हम स्टेशन पर केयरटेकर को देखते हैं। वो बैकअप पावर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर ठंड की वजह से सिस्टम फ्रीज हो चुकी थी, तो केयरटेकर मैन्युअली जनरेटर स्टार्ट करता है और फिर मशीन को चेक करने चला जाता है। अब पावर स्टार्ट होते ही ट्रेलर भी स्टार्ट हो गया था। अचानक ट्रेलर स्टार्ट होने से झटके की वजह से रोमान खुद को नहीं संभाल पाता। वो ट्रेलर से नीचे गिरने वाला था, पर राइट टाइम पर डेनिस ने उसे पकड़ लिया, वरना आज रोमान का मरना तय था। अब फिर से सब कुछ ठीक हो चुका था और ट्रेलर में सब लोग एंजॉय कर रहे थे। वो म्यूजिक ऑन करके डांस कर रहे थे, साथ में खाना पीना भी चल रहा था। अब ट्रेलर में रखे क्रिसमस ट्री के नीचे रोमान को किरिल की बैग मिलती है, तो डेनिस किरिल को कॉल करके उसे बताता है कि तुम्हारी बैग ट्रेलर में ही रह गई थी, तो किरिल वो बैग ट्रेलर से नीचे फेंकने के लिए कहता है, लेकिन रोमान ऐसा नहीं होने देता। रोमन देखना चाहता था कि आखिर बैग में ऐसी क्या चीज है जिसके लिए किरिल इतना वरित था। अब रोमन वो बैग चेक करता है तो उसे बैग में एक कॉस्टली शैंपेन बॉटल, कुछ फेरी लाइट्स और एक पैराशूट क्लोथ मिलता है। बैग में यह सब चीजें देखकर रोमन किरिल का मजाक उड़ाता है, लेकिन कैट को रोमन का बिहेव अच्छा नहीं लगता और वो रोमन से सारी चीजें लेकर वापस बैग में रखने लगती है। अब उसी वक्त कैट को वहां पर एक रिंग मिलती है, यह एंगेजमेंट रिंग थी। कैट समझ जाती है कि रिंग ही वो इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके लिए किरिल वरिद था और आज किरिल कैट को प्रपोज करके शादी करना चाहता था। यह सब देखकर कैट को अफसोस होता है, वो किरिल को गलत समझ रही थी, तो वो माफी मांगने के लिए किरिल को कॉल करती है, लेकिन कैट के फोन में सिग्नल नहीं मिल रहा था। इवन ट्रेलर में मौजूद किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था। अब दूसरी तरफ हम केयरटेकर को देख पाते, वो फ्रिज हुए मशीन में ऑयलिंग करने जा रहा था। अब उसके गले में कुछ चाबियों का लॉकेट था और एक्सीडेंटली वो चाबियों वाला लॉकेट उस मशीन में फंस जाता है, जिसे केयरटेकर चौक करने लगता है। उसके गले पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था तो वो खुद को बचाने के लिए एक लोहे की रॉड मशीन में फंसा देता है। इससे मशीन तो रुक जाती है पर केयरटेकर खुद को नहीं बचा पाता और उसी मशीन में लटक कर वो मारा जाता है।
अब जनरेटर ऑफ था तो ट्रेलर भी रुक गई थी। सबको लग रहा था कि कोई कनेक्शन इश्यू होगा और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, तो वो सब ट्रेलर में टेंशन फ्री होकर एंजॉय करने लगते। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। देखते ही देखते 12 बज जाते, सब लोग काफी खुश थे। वो शैंपेन की बॉटल से न्यू ईयर को वेलकम करते और इसी बीच कब किसकी आंख लग जाती है उन्हें खुद पता नहीं चलता। दूसरे दिन सुबह जब वो सब नींद से जागते तब उनकी मेन टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी तक पावर ऑन नहीं हुआ था। उन्हें लग रहा था कि जरूर वो केयरटेकर शराब पीकर सो गया होगा। अब काफी देर तक इंतजार करने के बाद डेनिस ट्रेलर के ऊपर चढ़कर वे आउट ढूंढने की कोशिश करने लगता है। किसी तरह अगर केबल को लोअर किया जा सके तो शायद वो लोग बच सकते थे, मगर इसमें रिस्क ज्यादा था क्योंकि वो लोग जमीन से अप्रोक्स 100 मीटर की ऊंचाई पर थे। तो सभी इमरजेंसी सेटअप ढूंढने लगते, उन्हें एग्जिट मिल जाता है पर वहां पर रस्सी नहीं थी। वो भी नहीं जानते थे कि अब उन्हें कितनी देर तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तो वो सब फूड और पानी संभाल कर यूज करने लगते। दूसरी तरफ स्टेशन पर सुबह की शिफ्ट में दो केयरटेकर आए थे। स्टेशन पर उन्हें उस केयरटेकर की लाश मिलती है, साथ ही मशीन पर सेटअप देखकर वो समझ जाते हैं कि जरूर कोई ट्रेलर बीच रास्ते में फंसा हुआ है। केयरटेकर इमरजेंसी सर्विस को कॉल भी करते, मगर उस ट्रेलर में इस वक्त कुछ लोग फंसे हुए है यह बात वो नहीं जानते थे। अब दोपहर भी हो चुकी थी। अब हम किरिल को देखते, उसका मूड ऑफ था। कैट ने उसे एक भी कॉल नहीं किया था और अब तक तो उन्हें वापस भी आ जाना चाहिए था। इससे किरिल को लगता है कि शायद कैट अब उससे रिश्ता रखना नहीं चाहती, वो वापस घर जाने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ विवेका को ट्रेलर में रस्सी मिल जाती है जिसे कैट ने छिपा कर रखी थी, क्योंकि उसे रस्सी वाला आइडिया डेंजरस लग रहा था। इस बात से सभी कैट से नाराज हो जाते क्योंकि भले ही इसमें खतरा ज्यादा हो पर उनके पास वैसे भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब डेनिस रस्सी के सहारे ट्रेलर से नीचे उतरने लगता है और बाकी तीन रस्सी को पकड़ के रखते हैं। डेनिस जैसे जमीन के करीब पहुंचता है तभी उसके हाथ से उसका स्लेट बोर्ड नीचे गिर जाता है और उसके धक्के से सारा बर्फ खिसकने लगता है। इससे डेनिस समझ जाता है कि असल में यह बर्फ का पतला लेयर था और लेयर के नीचे गहरी खाई थी। यह देखकर डेनिस डर जाता है और सब लोग उसे ऊपर खींचने लगते है। अब डेनिस को जल्दी ऊपर खींचने के चक्कर में सबका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे रोमान भी ट्रेलर से बाहर गिरता है और वो रस्सी पकड़ लेता है। अब रस्सी पर रोमान और डेनिस दोनों लटक रहे थे। वेगा को भी चोट लगी थी जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। अब सिर्फ कैट ही रस्सी संभाल रही थी और वो रस्सी को खींचने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो अकेली रस्सी नहीं संभाल सकती थी। रोमान भी समझ गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो नहीं बच पाएगा, इसीलिए रोमान खुद को बचाने के लिए अपने पॉकेट से चाकू निकाल कर नीचे की रस्सी काट देता है, जिससे वो तो वापस ट्रेलर तक पहुँच कर खुद को बचा लेता है पर इनडायरेक्टली उसने डेनिस को मार दिया था। वेगा को भी होश आ गया था और डेनिस के बारे में जानकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो पैनिक करने लगी थी और उसके गांव से बहुत खून भी निकल रहा था। कैट जल्दी से एक बेल्ट वेगा के गांव पर बांधकर खून रोकने की कोशिश करने लगती है। वहीं बाहर रोमान को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो ट्रेलर के ऊपर चढ़कर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, साथ ही वो कैट को भी फ्लैश लाइट जलाने के लिए कहता है, मगर घायल वेगा की मदद करने में कैट लेट हो जाती है और वो हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता। इससे रोमन काफी गुस्से में था और इसके लिए वो कैट को ही जिम्मेदार मान रहा था। वही टेलर के अंदर जाने वाला डोर भी अब लॉक हो चुका था। टेलर में वेगा थी मगर वो डोर ओपन नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे होश भी नहीं था। अब रोमान बाहर से ट्रेलर का फ्रंट डोर ओपन करने के लिए कैट को फोर्स करने लगता है। कुछ देर पहले रोमान जिस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था अभी उसी लड़की को वो मौत के मुंह में धकेल रहा था, वो भी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कैट रोमान को साफ मना कर देती है। अब रोमान गुस्से में आकर ट्रेलर की एक रोड तोड़कर उससे कैट को मारने की कोशिश करता है। इससे होता यह है कि यह ट्रेलर जिस केबल से लटक रहा था उसका एक हिस्सा लूज हो जाता है। वही कैट भी रोमान से बचने के लिए ट्रेलर की दूसरी लटक रही थी। कैट किसी तरह टेलर के फ्रंट डोर को खोलकर टेलर के अंदर तो पहुंच जाती है पर वो रोमान को अंदर नहीं आने देती, तो रोमान फोर्सफुली उस पैनल को ओपन करने की कोशिश करता है जिससे टेलर का लूज हिस्सा टूट जाता है और यह टेलर डिसबैलेंस हो जाता है जिससे रोमान नीचे गिरता है और वो भी मारा जाता है। वेल रोमान को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। अब पूरा टेलर एक साइड से लटक रहा था और यह बहुत ही डेंजरस था।
धक्के की वजह से टेलर के अंदर भी सब कुछ हिल चुका था। वेगा तो पहले से ही घायल थी, अभी कैट भी गिरकर बेहोश हो जाती है, उसे भी गहरी चोट लगी थी। दूसरी तरफ हम किरिल को देखते, वो एयरपोर्ट की ओर रवाना हो चुका था। वो कैट को भी मैसेज कर रहा था पर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद फाइनली किरिल को एहसास होता है कि उसका कोई भी फ्रेंड पिछले एक दिन में ऑनलाइन नहीं हुआ था और किसी से भी उनकी बात नहीं हुई थी, यानी कि कोई गड़बड़ थी। किरिल होटल में कॉल करके अपने फ्रेंड्स के बारे में पूछताछ करता है, तब उसे पता चलता है कि वो लोग अभी तक वापस नहीं लौटे थे। किरिल अपने फ्रेंड्स की तलाश में होटल की ओर निकलता है। तब तक शाम हो चुकी थी और टेलर में कैट भी होश में आ चुकी थी। वो देखती है कि उसकी फ्रेंड वेगा भी मर चुकी थी, अब सिर्फ कैट ही बची थी। वहां पर स्नो स्टॉर्म भी शुरू हो गई थी और बर्फीली हवाओं में कैट ठंड से कांपने लगी थी। उसके हाथ में फ्रॉस्ट बाइट भी आ चुकी थी। टेलर का इमरजेंसी एग्जिट डोर तो पहले से ही निकल चुका था, तो वहां से ठंडी हवा टेलर के अंदर आ रही थी। अब ठंड से बचने के लिए कैट वेगा का जैकेट निकाल लेती है। कैट स्लेज बॉट से उस ओपन एरिया को कवर करने में लग जाती है। वो कुछ कागज इकट्ठा करके टेलर में आग भी जलाती है जिससे उस कातिल ठंड को वह सर्वाइव कर सके। लेकिन यहाँ पर तेजी से ठंडी हवा का झोंका टेलर का कांच तोड़कर अंदर आता है जिससे आग बुझ जाती है। यह देखकर कैट डर जाती है, फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। कैट अपने फोन में किरिल के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। कैट किरिल से अपने बिहेव के लिए माफी मांगती है और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी बताती है। अब हवा के तेज झोंकों से वो टेलर भी ऐसे हिलने लगा था कि जैसे कोई खिलौना हो। कैट भी समझ गई थी कि ऐसे मौसम में कोई उसे रेस्क्यू करने नहीं आएगा। डर और टेंशन के माहौल में कैट फिर से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ किरिल ट्रैफिक में फंस चुका था और टेंशन की वजह से वो कार से उतरकर उस स्टेशन की ओर भागने लगता है। किरिल को आगे एक बंदा मिलता है जिसके पास कार भी थी। वो किरिल को स्टेशन तक लिफ्ट दे देता है। स्टेशन आकर वहां मौजूद केयरटेकर से बात करने के बाद किरिल सारी बात समझ जाता है। दूसरी तरफ टेलर में कैट को एक आइडिया आता है। उसने किरिल के बैग में जो पैराशूट क्लोथ और फेरी लाइट्स को देखा था उसे कैट अपने बचाव के लिए यूज करना चाहती थी। लेकिन तभी तूफान की वजह से टेलर और केबल का बाकी दो कनेक्टिंग रॉड भी टूट जाती है जिससे वेगा की लाश टेलर से नीचे गिर जाती है। यह सब देखकर कैट भी समझ थी कि वो भी यहाँ ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो वो अपने सामान के साथ ऊपर चढ़ने लगती है। कैट किसी तरह एडजस्ट करके हैंगर पर बैठ जाती है। वो फेरी लाइट्स को ऑन करके उस पैराशूट को उड़ा देती है। यही उसके बचने का लास्ट चांस था और कैट के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अभी के लिए कैट सेफ थी और एग्जैक्टली उसी वक्त पूरा टेलर हैंगर से अलग होकर नीचे गिरता है जिससे स्टेशन में भी जोर से अलार्म बजने लगता है। केयरटेकर समझ जाते हैं कि टेलर केबल से अलग हो चुका है, दैट मींस अब किसी के जिंदा बचने के चांसेस नहीं थे। किरिल भी यह सब देख रहा था पर वो यह मानने के लिए रेडी नहीं था कि उसके सारे फ्रेंड्स अब मर चुके हैं। किरिल अपसेट होकर स्टेशन से बाहर आ जाता है लेकिन उसी वक्त किरिल को वो फेयर लाइट्स दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि जरूर कोई उस हादसे से बच गया था। किरिल भागता हुआ स्टेशन के बेसमेंट में चला जाता है और वहां से मशीन को स्टार्ट करने लगता है। जो रोड मशीन के व्हील को रोक रहा था उसे किरिल रस्सी से बांधकर एक कार की मदद से खींचकर उसे बाहर निकाल लेता है जिससे जनरेटर फिर से ऑन हो सके। किरिल का प्लान काम करने लगता है और दोनों केयरटेकर भी सिस्टम को ऑन कर देते और धीरे धीरे केबल को नीचे उतारने लगते। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम को भी वहां पर बुलाया जाता है और डेढ़ दिन के बाद कैट को रेस्क्यू किया जाता है। कैट तो बच गई थी पर उसके बाकी फ्रेंड्स मर चुके थे। किरिल भी कैट के साथ था। कैट की हालत नाजुक थी पर होपफुली वो बच जाएगी और कैट को भी जल्दी से हॉस्पिटलाइज किया जाता है। और बस यही पर ब्रेक मूवी खत्म हो जाती है। 2019 में रिलीज हुई ब्रेक मूवी को IMDb पर 4.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वहीं रोटन टोमेटो पर इसे 22% एंड ऑडियंस स्कोर 30% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन से तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।